शरद अभी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं और शो ने जिंदगी आई थिंक एक नए मोड़ की तरफ आपको लाई ना। इस शो ने एक नाम दिया है नाहर सिंह मुझे, और बहुत कम टाइम में इतना पॉपुलर हुआ है शो और लोगों ने पसंद किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो ये शो देखते हैं और इसे पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं वो मुझे एक ही कमेंट देते हैं, यार तुम मरवाओगे यार, तुम इतने अच्छे पति बनते हो कि हमारी बीवियों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है कि तुम नाहर सिंह जैसे क्यों नहीं बनते हो, वो ऐसा करता तुम क्यों नहीं करते हो। तो ये कमेंट मुझे अक्सर जो हस्बैंड्स हैं और जो सास हैं या जो माँ बाप हैं उनसे ये कमेंट जो है, भैया दामाद हो तो नाहर सिंह जैसा, तो ये दो कमेंट्स मुझे अक्सर सुनने को मिलते हैं। और आज उसी शो ने मेरी लाइफ बदल दी है, तो हेड्स ऑफ। शो ने लाइफ बदल दी है और शो में कुछ और लोग भी होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है किसी अलग लेवल पर। हमने कहा कि भाई शायद वो भी इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे। बुलाना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट को। विजय पांडे जी, थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए। बड़ा सरप्राइज हो गया, काफी एक महीना देख नहीं रहे आपस में किसी दूसरे को। बैठिए बैठिए। आपने इनको, इनकी ग्रोथ देखी होगी उस शो में, कैसा लगा आपको एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सन? एज अ प्रोफेशनल ही हैज रियली ग्रोन एज एन एक्टर। एज एन एक्टर इसने इतना अच्छा ग्रो किया है कि वाकई उस कैरेक्टर को वो जी रहा है। लेकिन एक ही है, एज ए पर्सन इतना शैतान है, इतना शैतान है, सबसे ज्यादा सेट पर अगर शैतानी करता तो ये करता है, यही करता है, सबको परेशान करेगा, सबको तंग करेगा। नवाबजादे हैं, लेट आते हैं हमेशा। मैंने सिंह को बोला, भाई शरद जी को बुलाओ, शॉट रेडी है, कीर्ति भी आ गई है, क्यों नहीं? सर वो अपने बाल सेट कर रहे हैं। मैं क्या शरद बाल सेट कर रहा है? हाँ सर, वो एक वो लट उनके सामने नहीं आ रही है, उसके पीछे लगे। एक तरफ डायरेक्टर साहब से बात हो गई, तो कुछ और भी लोग थे जिनसे बात हमने करी, उसी शो से लिंक्ड हैं। बहुत ही अहम भूमिका है इनकी, इनकी जिंदगी में। ऑन अ पर्सनल लेवल तो नहीं, लेकिन ऑन अ प्रोफेशनल लेवल देखते हैं। हाय शरद, ओळखलास? सबको बोलने दो कि तुम कितने कितने बहुत ही मस्ती करते हो और सीन के बीच में इतने बोलते हो, इतने बोलते हो, मतलब शरद को चुप कराना पड़ता है। यू आर वेरी स्वीट, और एक तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे आज तक तुम सेट पे कभी दुखी दिखाई नहीं दे। एक चीज उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक अटेम्प्ट करी एक दोस्त के साथ, लेकिन हो नहीं पाई। शायद आज इस मौके पर कंप्लीट हो जाए वो बात। एक और इनके दोस्त हैं, एक और शो से, उनको यहां पर बुलाता हूं मैं। आइए साहब, पुलिस तो लेके मत आइएगा साथ में। अनूप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बैठिए प्लीज। फिल्म्स एटसेट्रा, बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला है कि शायद आज वो जोक पूरा हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक क्या था, व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट अ जोक? देयर वाज अ टाइम जब ये नया इसने ज्वाइन किया था सीआईडी स्पेशल ब्यूरो, तो थोड़ा इतना ज्यादा ओपन अप नहीं था, बिकॉज शायद नया शो शुरू हो रहा था और इतना एक्सपीरियंस नहीं था, सारे और लोग सलील अंकोला और काफी सीनियर लोग थे इसके आसपास, तो हम लोग इसको काफी बुली करते रहते थे, तो इसकी भी बहुत खिंचाई हो चुकी है, ऐसी चिंता वाली बात। सो देयर वाज दिस जोक सेशन जो हमारे यहाँ रेगुलर चलता था, एक दिन इसने भी कहा कि मैं एक जोक सुनाता हूँ। तो हमारे एक और कलीग हैं, हमने और उन दोनों ने इशारों में बात कर ली कि इसको ये जोक पूरा नहीं करने देंगे। तो ये बेचारा शुरू करता था कि एक शर्मा जी थे, एक वर्मा जी थे, और हम बीच में कुछ अपनी बातचीत शुरू कर देते, अच्छा हाँ वो क्या हुआ, शॉर्ट नेक्स्ट शॉर्ट का बोल रहा है कम्प्लीट। बट इससे आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना ऑनेस्ट, इतना सच्चा और इतना सीधा था कि ये बेचारा डेढ़ दो दिन तक ये समझ में नहीं पाया कि हम इसको जोक नहीं सुनाने देना चाहते। आज तक हम थक गए इसको कह के कि वो जोक तो सुना दे पूरा, लेकिन आज तक इसने जोक नहीं सुना, अब ये नहीं सुनाता वो जोक। ये लोग अभी मुझे बुली कर रहे हैं, पता है, ये आज भी वही काम कर रहे हैं जो उस दिन कर रहे थे, मुझे पता है। तो मैं वो जोक शुरू नहीं करूंगा ना खत्म करूंगा। माजी प्लीज आगे रिक्वेस्ट कर दिए कि एक तो जोक सुनिए, और वैसे भी वो जोक मैं माजी के सामने सुना भी नहीं पाता। यू नो हसमुख तो है ही, नटखट शरारत वगैरह करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो को स्टार से ज्यादा ओहदा रखते हैं, ऐसे ही एक और दोस्त ने हमसे कुछ स्पेशल कहा इनके बारे में। मैं एक बहुत ही कैमियो किस्म का छोटा सा रोल कर रहा था, और शरद उस सीरियल में लॉन्च किया जा रहा था, वो मेरे ख्याल से उनका पहला शो था, पहला सीरियल था,
तो शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के दौरान उन्हें पहला ही जो सीन मिला वो काफ़ी लंबा चौड़ा सीन था और उन्हें काफ़ी मूवमेंट्स करने थे, काफ़ी डायलॉग्स बोलने थे। शरद जिन्होंने कि उससे पहले कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं की थी, काफ़ी नर्वस हो गए थे और कुछ मुझे याद है करीब 20-25 टेक्स उन्होंने किए थे उस सीन के, और उसके बाद भी वो अच्छी तरह से वो सीन कर नहीं पा रहे थे। और बाद में मुझे याद है उस शो से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। उसके बावजूद शरद काम करते रहे और 3 साल के बाद जब मैं 7 फेरे के सेट पे उनसे मिला तो ही वॉज अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एक्टर। सर एक चीज बताओ कि जैसा आपने कहा कि उस शो में आपने खुद हाथ जोड़ के कहा कि मुझसे नहीं हो रहा है, हाउ डज देन एन एक्टर उस पॉइंट से अपने आप को कैसे बाहर निकाल के लाता है? वो टाइम बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक्टर के लिए जिसको कि ये पता है कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है और यहाँ से मुझे निकाला जा रहा है। बट मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी मैं मॉम से बोल के आया हूँ मुझे कुछ करना है, यहीं करना है, तो मैंने कहा यार कोशिश तो करता रहूँगा मैं। तो सीखते सीखते आज जो फिर कीर्ति जी मिल गई, तो फिर सर हमारे हैं, इन्होंने तो अभी मुझे बोला है रिसेंटली क्योंकि मैं कोई भी मैटर हो मैं इनको फ़ोन करता हूँ और इनसे एडवाइस देता था हमेशा, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कहीं कास्टिंग हो रही हो, चाहे कोई सीन हो, तो ये मेरे गाइड रहते हैं। और इन्होंने अल्टीमेटली मैंने मजाक में ही चाहे लेकिन बड़े कह दिया भाई अगली बार से मैं आपसे कंसल्टेंसी फीस लूंगा। एंड ही ऑलवेज बिहेव्ड एज इफ लाइक के जैसे आई थिंक मेरा कोई भाई है नहीं, तो पता नहीं क्यों शुरू से इसने अपनी तरफ से ऐसा एटीट्यूड मेरे साथ रखा जैसे मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जैसे जब हमारा शूटिंग चल रही थी तो कॉल टाइम है तो इसका रात को फ़ोन आएगा, अच्छा सर आप कितने बजे निकल रहे हो आप सुबह? कि सुबह मैं 7:30 बजे घर से निकलूँगा। अच्छा ठीक है मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, आप मुझे पिकअप कर लेना। ठीक है कोई बात नहीं, पिकअप कर लूँगा, उसमें क्या रास्ता वही है जाना है। पिकअप कर लिया इनको सुबह 7:30 बजे, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये आपके पास में बैठते हैं, थोड़ा और रिलैक्स्ड होते हैं सीट पे, फ़ोन निकालते हैं और कीर्ति को फ़ोन लगाते हैं, हाय बेबी हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, और आपको सडनली फील होता है यार आप ड्राइवर हैं। और और जब फ़ोन पे बात ख़त्म हो जाती है, अगर मान लीजिए डिस्टेंस लंबा है तो फिर ये सो जाता है और आप ये देखते हैं कि बाजू वाली सीट पे एक आदमी सो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों यू नो ऐसा कभी ये नहीं लगा कि यार जी क्या बदतमीजी कर रहा है, यू नो हमेशा ये लगा आई थिंक दिस इज़ हिज वे, ये इतना क्यूट है कि शायद अपने आप सबको इसे प्यार हो जाता है। भाई आप ऐसा कह रहे हैं, एक और दोस्त ने तब कहा कि कुछ डीवीडी को लेके कोई इंसिडेंट था, अब क्या डीवीडी थी क्या कहानी थी जरा देखते हैं। मैंने शरद को फोन किया क्या कर रहा है, बोला घर पे, वहां जा, चला गया, चल फिल्म देखते हैं, ये शरद का प्लान था। मैंने कहा यार 11 बज गए रात के, अब कोई फिल्म कहां मिलेगी, तो ही जस्ट ड्रॉप द आइडिया इन सर कि ठीक है डीवीडी लाके घर पे देखते हैं। मैंने 11 बजे रात को डीवीडी कहां मिलेगा, नहीं नहीं ढूंढते हैं, चलो 4 बंगलो 7 बंगलो जुहू, जो जो हमको चॉप्स मालूम थी सब जगह जाके देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन शरद के दिमाग से फिल्म देखने का फुतूर नहीं गया। देन ही सेड कि एक काम करते हैं, मानव के पास होगी, मानव से हायर करते हैं। चलो मानव से डीवीडी लिया, फाइनली हमने फिल्म का सीडी डीवीडी प्लेयर में डाला और हमने फिल्म देखना जैसे शुरू किया, शरद सो रहा था। पूरे टाइम खराटे भरे और जैसी फिल्म कंप्लीट हुई तो शरद उसके बोलता है, हाँ यार फिल्म कैसी थी, अच्छी थी ना।